के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी में फिलहाल बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दर बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्रस्ताव में यूपीपीसीएल की तरफ से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव को नियामक आयोग की ओर से खारिज कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में बिजली की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। बीएसपी ने नए भवन के उद्घाटन का समर्थन किया। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। पीएम मोदी के द्वारा होने वाले उद्घाटन को लेकर ज्यादातर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उद्घाटन नए संसद भवन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। हालांकि इसी बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। बीएसपी ने 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन का समर्थन किया है। आनंद मोहन का बीजेपी पर करारा हमला। बिहार में आनंद मोहन के जेल से छूटते ही राजनीति तेज हो गई है। वहीं उनके जेल से वापस आने के बाद से बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है। बुधवार को देर रात जिले के एक कार्यक्रम में आनंद मोहन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इशारों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम लोग की श्री राम वाली पार्टी नहीं, सिया राम वाली पार्टी है। इसलिए जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में भी माता सीता का भव्य मंदिर बने। लोकसभा चुनाव से पहले पीके का बड़ा ऐलान। बिहार के लोगों से रूबरू होने और जनता को जागरूक करने के लिए जनसुराज पदयात्रा के तहत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर गांव-गांव जा रहे हैं। कई जिलों में पदयात्रा कर चुके हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। अगर मैं नेताओं और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं, तो भरोसा रखिए बिहार की जनता को भी जिता सकता हूं। इस पूरे अभियान में जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालेंगे और उनके साथ अपनी पूरी शक्ति बुद्धि संसाधन लगाएंगे कि उनको जिता कर लाएंगे। जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा, तभी स्थिति में सुधार आएगा। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट में लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आम आदमी पार्टी और तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले गुरुवार की सुबह जेल के बाथरूम में गिरने के बाद केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को पश्चिमी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार न होने के बाद अब उन्हें LNJP में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। कपिल सिब्बल ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर उठाए सवाल। नए संसद भवन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक PIL दायर करके याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी के हाथों संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया है। सपा की मदद से राज्यसभा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस मसले पर एक ट्वीट कर इसके उद्घाटन को लेकर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा कि संसद हमारे गणतंत्र का प्रतीक है। राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है। इस औपचारिक आयोजन में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हमारे गणतंत्र के लोकाचार का अवमूल्यन करने के बराबर है। उन्होंने केंद्र से सवालिया लहजे में पूछा कि क्या सरकार को इस बात की परवाह है। जबलपुर में गिराए जाएंगे अपराधियों के मकान। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में पुलिस प्रशासन ने जिले में तलवार और चाकूबाजी करने वालों की थानावार सूची तैयार की है। इस सूची में 250 से ज्यादा गुंडे बदमाशों को चिन्हित किया गया है, जिनके अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के SPT के विद्यार्थी ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित क्राइम मीटिंग में राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों को गुंडे बदमाशों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रमुख रूप से शहर में चाकूबाजी व तलवारबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले आपस में भिड़े बीजेपी नेता। बुंदेलखंड क्षेत्र के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह के बीच जारी घमासान आखिरकार खत्म हो गया है। मंत्रियों के बीच खत्म हुए घमासान के पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की समझाइश और संघ के नेताओं की नाराजगी बताई जा रही है। PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने वीडियो जारी कर कहा कि हम बंद मुट्ठी की तरह एक हैं। तेरह दिनों तक दूल्हे ने नहीं उतारा सेहरा। राजस्थान की शादी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल प्रदेश के पाली जिले के बाली में 13 दिन पहले एक बारात आई थी। अचानक दूल्हा दुल्हन के घर वालों को लड़की के घर से गायब होने की खबर मिली।
दूल्हा पक्ष को बाद में पता चला कि दुल्हन किसी और के साथ भाग गई है। बारात लेकर आए दूल्हे के परिवार वालों ने दुल्हन के आने के इंतजार में 13 दिनों तक दुल्हन के घर पर धरना दे दिया। पुलिस ने 13 दिन बाद दुल्हन को उसके नाबालिग आशिक के साथ ढूंढ निकाला। बाद में पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद दुल्हन को परिजनों के हवाले कर दिया। बीजेपी सांसद का सोनिया गांधी पर विवादित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर देश भर में राजनीति गर्म है। विपक्ष के अधिकतर नेताओं का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। वहीं विपक्ष के इस बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री को जनता ने चुना और संसद भी जनता के लिए है, तो उद्घाटन प्रधानमंत्री के अलावा और कौन करेगा। सोनिया गांधी द्वारा मनमोहन की तरह स्टाम्प नहीं बनाया। शोभा यात्रा के बीच दो पक्षों के बीच पथराव। राजस्थान के भरतपुर जिले में जुरहरा कस्बे में ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा भगवान परशुराम जयंती की निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों के लोगों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान ही दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा में पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में शांति करवाई और तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम भगवंत मान का चरणजीत सिंह चन्नी को चैलेंज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। मान ने चन्नी पर खिलाड़ी से नौकरी की एवज में 2 करोड़ रुपए मांगने के आरोप को लेकर कहा कि ये जानकारी 31 मई 2 बजे तक पब्लिक करें, नहीं तो उन्होंने जो दावा किया है उससे जुड़ी तस्वीर भी खुद जारी करेंगे। सुखबीर बादल की आप सरकार को चेतावनी। पंजाब की ओर से राजस्थान को पानी दिए जाने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। अबोहर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान बादल ने सीएम भगवंत मान को चेतावनी देते हुए कहा, अकाली दल पंजाब से राजस्थान को दिए जाने वाले पानी के हिस्से में बढ़ोतरी नहीं करने देगा। बादल ने कहा कि हम राजस्थान को एक बूंद अतिरिक्त पानी नहीं देने देंगे, चाहे इस अन्याय को रोकने के लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। किलो बेची प्याज जेब से देने पड़ गए 986 रुपए। बीड जिले के किसान ने जब प्याज बेचा तो उसे पैसे मिलने के बजाय खुद की पॉकेट से पैसे भरने पड़े। इस मामले पर बीड जिले के किसान जिसका नाम दिनेश ढाकने है ने पूरी जानकारी दी है। दिनेश ढाकड़ के खेत में प्याज की अच्छी पैदावार हुई थी। वे अच्छे दाम की उम्मीद में अपने 300 किलो प्याज 7 बोरियों में भरकर मंडी पहुंचे थे। उनकी 300 किलो प्याज की कुल कीमत 2871 रुपए आकी गई, लेकिन मंडी का खर्च ढुलाई आदि सब मिलकर 3857 रुपए का कुल खर्च आया। इस प्रकार मंडी के व्यापारी ने उनसे 986 रुपए की अतिरिक्त मांग की। खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में बोली राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति खूंटी दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बिरसा मुंडा कॉलेज में आयोजित महिल स्वयं सहायता सम्मेलन में 24,000 महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकार उनके लाभ के बारे में जानकारी मिलेंगी, साथ ही कई सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बहन बेटियों के लिए अच्छे भविष्य के लिए कामना करती हूं और उन्हें शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की देश विदेश में पहचान है। खूंटी जिले की बेटियां भी खेल के क्षेत्र में नाम रोशन किया है। सिडनी में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी है, जिसके कारण 7 मंजिला इमारत के ढहने का खतरा पैदा हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फिलहाल 100 से अधिक फायर फाइटर्स कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि आग तेजी से फैलती जा रही है। भीषण आग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आसपास की इमारतों को खाली करा लिया है। आपातकालीन सेवाओं ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। मुस्लिम स्कॉलर ने पैगंबर से की इमरान खान की तुलना। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में
भीड़ ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला है। मृतक पर एक रैली के दौरान ईश निंदा का आरोप लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उग्र भीड़ ने ईश निंदा का आरोप लगाते हुए शख्स की हत्या कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कथित वीडियो में सैकड़ों लोगों की भीड़ एक व्यक्ति को लाठी डंडों से पीट रही है। मृतक मुस्लिम स्कॉलर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि मृतक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थक था। उसने सबके सामने ये बात कबूल कर ली कि वह इमरान खान से पैगंबर के जितना ही प्यार करता है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को रूस ने किया नाकाम। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में रात भर में 6 ड्रोनों को मार गिराया गया है। इस बात की जानकारी क्रीमिया क्षेत्र के गवर्नर ने दी। क्रीमिया के गवर्नर सरगेई अक्सियोनोव ने टेलीग्राम पर लिखा कि बुधवार की रात के दौरान क्रीमिया के अलग अलग हिस्सों में 6 ड्रोन मार गिराए गए या ब्लॉक कर दिए गए हैं। इमरान खान की पार्टी में भगदड़ क्यों? पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी टूटने के कगार पर खड़ी है। पाक की सेना के खिलाफ बोलने वाले इमरान खान की पार्टी को सेना ने कुचलना शुरू कर दिया है। एक के बाद कई बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के अब तक 7,000 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने आर्मी कोर कमांडर सेंटर्स पर हमले किए। इन हमलों के बाद शहबाज शरीफ की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आर्मी एक्ट लगाने के लिए तैयार हो गई है। ईरान ने 3 लोगों को फांसी पर लटकाया। इस्लामिक मुल्क ईरान में 3 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया है। इन लोगों पर आरोप था कि वे पिछले साल के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों के 3 सदस्यों की मौत में शामिल थे। इस मामले में ईरान की अदालत ने सजाए मौत देने का आदेश दिया। ईरान की अदालत ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि माजद काजमी, सालेह मिरा हाशमी और सैयद ग्यागोबी को केंद्रीय शहर इस्फहान में शुक्रवार को मृत्युदंड दिया गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।